रील बनाने का शौक इन दिनों बहुत ज्यादा है, और ये शौक अकेले शहरों में नहीं है, गांव देहात तक जो युवा हैं उनको रील बनाने का बड़ा शौक है, और रील पर कमेंट आए तो उसके लिए रील बनाने का ज्यादा शौक है। लेकिन एक कमेंट रील बनाते वक्त रियल में कैसे भारी पड़ जाता है, इसके लिए इस कहानी को जरूर सुनिएगा ध्यान से। दरअसल कत्ल की वारदात की वजह जानकर एमपी पुलिस भी हैरान थी। होता यूं कि रतलाम के सैलाना पुलिस को सूचना मिलती है कि एक गांव में एक युवा लड़के का मर्डर हो गया है। पुलिस उस गांव में पहुंचती है और जैसा होता है शुरुआती तौर पर पुलिस जांच पड़ताल करती है, गांव में बैठे हुए लोगों से पूछताछ पुलिस शुरू कर देती है कि आखिरकार इस गाँव में जहाँ जिस घर में बारात आई थी उस घर में एक लड़के का कत्ल क्यों हो गया, यह वारदात क्यों हुई। इस चीज को पुलिस शुरुआती तौर पर पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि गांव पे ही के ही रहने वाले एक शख्स के यहाँ बाहर से बारात आई थी। अब इस गांव के चूंकि होता है गांव की जब शादी होती है गांव में तो गांव के भी युवा शादी में एक दूसरे के यहाँ जाते ही हैं और बाराती भी आते हैं उस तरफ से लड़के वालों की पक्ष से, तो शादी आदि हो गई थी। और शादी होने के बाद हुआ ये कि खाना चल रहा था और खाना बनाते वक्त खाना जब दिया जा रहा था बारातियों को उसी समय की ये ऐसी बात सामने आई कि एक लड़का जो इसी गांव का रहने वाला था उसे रील बनाने का बड़ा शौक था। वो अपने दो तीन दोस्तों के साथ वहीं पे जहां पे बारात रुक थी खाना आना चल रहा था वहीं पर वो रील बनाने लगा। अब हुआ ये कि जब वो रील बना रहा था ठीक सामने एक बाराती भी बैठा था, वो बाराती उसको देख रहा था और जो शख्स रील बना रहा था वो रील बनाने में अपना पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, यूं कहे कि पूरी तरीके से रील बनाने में उसका ध्यान था। वो और उसके दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, रील बनाते वक्त होता है कि हंस रहे हैं, और वो रील में भी उसको जो अपना पार्ट डालना था हिस्सा उसमें उसकी हंसी थी और कुछ कमेंट था उसका कि जो वो रील में अपना बनाते हुए कमेंट कर रहा था और जम के हंस रहा था। अब होता यह कि रील बनाते बनाते जब वो लड़का अपने पास फोन लेता है तो सामने बैठे हुए शख्स जो उसको ध्यान से देख रहा था बारात में आया था उसको दो मिनट के लिए लगा कि ये मेरी तरफ देख रहा, क्योंकि आमने सामने थे वो लोग, उसको लगा कि ये मुझे देख के हंस रहा है। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर होता ही है कि रील में कुछ शब्दों का ऐसा मतलब जिसे कहते हैं प्रयोग किया गया कि जिसमें अभद्रता भी थी, रील बनाते वक्त कुछ कहा उस लड़के ने और नजरें मिली उसकी उससे, तो उसे लगा पहले तो ये हंस रहा था अब ये मुझे ही कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, फिर भी वो रुक जाता है। अब इसके बाद जो होता है कि वो रील जब बनाता है तो फिर कुछ और कहता है, फिर उसको लगता है कि नहीं ये मुझे ही टारगेट कर रहा है, और वो आओ देखता है ना ताओ देखता हो सीधे रील बनाने वाले लड़के पे ताबड़तोड़ हमला कर देता है, वार कर देता है। उसके बाद क्या हुआ था पुलिस बता रही है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोठड़ा में बारात आई हुई थी और जहाँ पर जो तीन लड़के हैं इनके बीच में आपसी जो है वार्तालाप चल रही थी, जब वार्तालाप चलते ही चलते में जो आरोपी है इसको ये लगा कि मुझे जो है इनके द्वारा जो है कुछ बोला जा रहा है, इस बात को लेकर जो है विवाद हुआ और जो आरोपी राम राजा है इसने द्वारा जो है परवेश को जो है चाकू से मार दिया, जिसमें जो है उसकी हत्या की गई। दरअसल हुआ यही था कि जो सामने बैठा हुआ बराती था उसको ये लग रहा था कि ये लड़का जो रील बना रहा है और इसमें जो हंस रहा है वो उसे देखकर हंस रहा है, और एक इतनी सी मामूली बात पर आप सोचिए, इतनी सी मामूली बात पर उसने मर्डर की वारदात को अंजाम दे दिया। खैर पुलिस ने इस मामले में कामयाबी हासिल की, आरोपी को पकड़ लिया, इस मामले का खुलासा कर दिया। रतलाम से आप तक खबर पहुंचाई विजय मीणा ने, आप देखते रहे एमपी तक।